मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खूंखार शिकारी की, एक ऐसे दैत्य की जो कि मॉडर्न डेज साइबेरियन टाइगर को भी बौना बना देता है। हम बात कर रहे हैं नगेनडंग टाइगर की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये कहाँ रहता था, कौन से काल में रहता था, क्या साइज और वेट था इसका। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पैंथेरा टाइग्रेस सोलाइंसिस, जिन्हें हम नगेनडंग टाइगर के नाम से जानते हैं, इन्हें दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टाइगर माना जाता है। नगेनडंग टाइगर साइबेरिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में प्लेस्टोसीन एपोक के दौरान रहा करते थे और ये अपने समय के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे। नगेनडंग टाइगर को साल 1845 में डिस्कवर किया गया था। इनका एक फॉसिल नगेनडंग नाम के गांव में मिला था, जिससे इनका नाम नगेनडंग टाइगर रखा गया। साल 1845 के बाद से हमें नगेनडंग टाइगर के सिर्फ 7 फॉसिल ही मिल पाए हैं, जिस वजह से इन्हें स्टडी कर पाना काफी मुश्किल है। शुरुआती समय में वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था नगेनडंग टाइगर का साइज किसी बंगाल टाइगर के बराबर हुआ करता था। रिकॉर्ड के अनुसार अब तक का सबसे बड़ा नगेनडंग टाइगर करीब 4.5 मीटर यानी कि करीब 14 फीट लंबा हुआ करता था, जबकि इस दुनिया की सबसे बड़ी बिग कैट कहे जाने वाले अमेरिकन लायन की लंबाई 3.5 मीटर तक हुआ करती थी। और एक अंदाजे के अनुसार नगेनडंग टाइगर का वजन 400 से 500 किलो था। लेकिन इतने बड़े साइज के बावजूद नगेनडंग टाइगर बंगाल टाइगर से भी ज्यादा फुर्तीले हुआ करते थे और ये 80 से 100 किलोमीटर पर हवर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते थे। साथ ही इनके दांत वर्तमान समय के टाइगर से बड़े और शार्प हुआ करते थे और इनका बाइट फोर्स इंसानों से 20 गुना, सेबर टूथ टाइगर से 8 गुना और बंगाल टाइगर से 2 गुना पावरफुल हुआ करता था। नगेनडंग टाइगर का बाइट फोर्स 2000 PSI से ज्यादा हुआ करता था, जो सभी बिग कैट में सबसे ज्यादा है। नगेनडंग टाइगर 10,000 साल पहले इस धरती पर राज किया करते थे। नगेनडंग टाइगर इस दुनिया से क्यों विलुप्त हो गए, इस बारे में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार खाने की कमी के कारण ये विलुप्त हो गए थे। आपको इस बारे में क्या लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, अपना जवाब कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखने तो स्क्रीन पर दिखाए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करें।